हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? आज मैं फिर आपके सामने एक नया अक्षर लेकर आई हूँ, था। अभी तक आप लोगों ने ता तक लिखना सीख लिया है ना बच्चों, अब आज मैं आपको था लिखना सिखाऊंगी, ठीक है? था से थर्मस। ठीक, देखिए पहले हम क्या करा, हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिरोरेखा खींची हमने, ठीक है? ये हमने पहले शिरोरेखा खींची, खड़ी रेखा, फिर हमने यहाँ से शुरू करके ये बनाया था। क्या बना? ये हमारा था, था से थर्मस, ठीक है? अच्छा, ये देखिए, फिर ये शिरोरेखा, ये खड़ी रेखा, फिर यहाँ से शुरू किया कर्व और ये घुमा दिया, क्या बन गया हमारा था, था से थर्मस। ये ऐसे खड़ी रेखा, कर्व और फिर ये तिरछा और ये गोला, शिरोरेखा, खड़ी रेखा, कर्व और ये क्या बन गया हमारा था से थर्मस। देखा आपने, बहुत आसान है ना? पहले शिरोरेखा खींची, खड़ी रेखा खींची और फिर ये कर्व और ये ऐसे घुमा दिया, ये क्या हो गया हमारा था से थर्मस, ठीक है? अब आपको हम वाइट बोर्ड पर लिखना बताएंगे। पहले इस पर हम क्या करेंगे, ऐसे लाइनें खींचेंगे जैसे आपकी कॉपी में होती हैं और जैसे आप लोग लिखते हो, ठीक है? ये देखो, पहले हमने क्या किया, शिरोरेखा खींची, खड़ी रेखा खींची और फिर ये कर्व करके ऐसे ये हमने था बनाया, ठीक है? फिर ये देखिए, पहले शिरोरेखा खींची, खड़ी रेखा खींची और ये हमने फिर था बना दिया। था से हमारा क्या है, था से थर्मस है, था से थैला है, था से थन है, था से थकान है। थकान मतलब जब इंसान थक जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, था से थकान, है ना? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो हम क्या बोलते हैं, था से बहुत थक गए हो ना, बहुत थकान हो गई है ना, तो वो भी क्या कहाँ से शुरू होता है, था से, ठीक है? और था से थोड़ा भी होता है, थोड़ा मतलब किसी चीज़ का कम होना, बहुत लिमिटेड मात्रा में होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा है, ठीक है? वो भी हमारा था अक्षर से शुरू होता है। ये हमने क्या लिखना सीखा, ये हमने सीखा कि था कैसे लिखा जाता है, ठीक है? एक बार और मैं आपको बता दूं, ये और ये, ठीक है? ये शिरोरेखा ज़्यादा लंबी हो गई इसकी, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक? ये क्या बन गया हमारा था, था से, था से थर्मस, था से थन, था से थैला, है ना? अब मैं आपको यहाँ पर एक चित्र बना के दिखाऊंगी, वो क्या है ये आप मुझे बताओगे कि ये क्या है। ये क्या है हमारा था से थैला। अब हम ये आप लोग बना सकते हो ना बेटा, बहुत आसान है ना ये। ये देखिए, आप थैला बनाओगे और उसमें था फिर लिख करके प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, ठीक है? ये क्या बन गया आपका था से थैला और ये इसमें बन गया डिज़ाइन, ठीक है? और अब हम क्या बना सकते हैं, था से थोड़ा, था से थर्मस, गोला, सीधी लाइन और फिर ये नीचे से गोल, ठीक है? ये इसमें हम डिज़ाइन बना देंगे ऐसे और फिर ये इसमें कि डोरी बन गई। ये क्या हो गया, ये हमारा था से थर्मस, क्या हो गया ये था से थर्मस, ठीक है? हाँ, तो अब आप इसे अपनी कॉपी में थ लिखने की
का अभ्यास करोगे और थ से थैला और थर्मस जो आप आसानी से बना पाओ उसको बनाने की कोशिश करोगे और उसमें सुंदर सुंदर रंग भरेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए अक्षर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।